विश्व पर्यावरण दिवस पर कल देश से मुखातिब होंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे पीएम मोदी का संबोधन। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट के लिए 12 सदस्यीय कमेटी गठित, 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश, कमेटी में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार भी शामिल। सीएसआईआर की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने की वैज्ञानिकों की तारीफ, कहा महामारी में वैज्ञानिकों ने बनाया आत्मनिर्भर, बहुत ही कम समय में बनाई कोरोना की वैक्सीन, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने का किया आह्वान। हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण को मिली मंजूरी, 43,000 करोड़ होगा खर्च। कोरोना के इलाज में अस्पतालों की मनमानी पर राज्य सरकारों को कार्रवाई का अधिकार, केंद्र सरकार ने कहा अधिक पैसे लेने पर एक्शन ले सरकार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के आए 1,175 नए मामले, 3,646 मरीज कोरोना से ठीक, अब तक 1,94,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। यूपी में प्राथमिकता पर आधी आबादी के वैक्सीनेशन की तैयारी, सभी जिलों में स्थापित होंगे 2 स्पेशल सेंटर, सोमवार से महिलाओं को टीकाकरण में प्राथमिकता के लिए कदम। यूपी में आज से सीरो सर्वे के लिए शुरू हुई सैंपलिंग, संक्रमण की मौजूदा स्थिति का होगा आकलन, जून के अंत तक सर्वे के परिणाम प्राप्त करने के निर्देश। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की उठाई मांग, का राज्य और आयु के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यूपी के अस्पतालों में आज से शुरू हुई ओपीडी सेवाएं, मरीजों की भर्ती के लिए तैयारियां पूरी, कोरोना की रफ्तार कम होने पर योगी सरकार ने किया फैसला। कोरोना के केस में कमी आने के बाद आज से गौतम बुद्ध नगर में शुरू हुई ओपीडी सेवाएं, जिला अस्पताल में बहुत कम संख्या में पहुंचे लोग। वाराणसी में ब्लैक फंगस ने मचाया कोहराम, बीएचयू अस्पताल में ब्लैक फंगस से 8 मरीजों की मौत। मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस के 230 केस आए सामने, 8 लोगों की मौत, 127 मरीजों का चल रहा है इलाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, चमरोआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर काटा फीता। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने महराजगंज में रोहिन नदी पर बाढ़ बचाव कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को बरसात से पहले सभी काम पूरा करने के दिए निर्देश। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से वीडियो जारी कर कोरोना से मुक्ति के उपाय बताए, पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने की अपील की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षा को लेकर हुई चर्चा। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे सिद्धार्थ नगर, बाढ़ की तैयारियों का लिया जायजा, चल रहे प्रोजेक्ट का भी स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नोएडा के निजी अस्पताल में कराया वैक्सीनेशन, उन्होंने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मिले 892 नए केस, 43 लोगों की कोरोना से हुई मौत, 4,006 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। सीएम बनने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंचे तीरथ सिंह रावत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत रुद्रपुर पहुंचे, ईएसआईसी अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड शीर्ष पर, सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस पर खुशी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के बिस्ट गांव में सोलर पंपिंग योजना का किया शिलान्यास, 178 परिवारों को की जाएगी पेयजल की सप्लाई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य विभाग की ढालवाला चेक पोस्ट पर की छापेमारी, हरियाणा के 4 युवकों ने बताया उन्हें 1 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर दी गई। उत्तराखंड में फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर कांग्रेस बीजेपी आए आमने सामने, कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा सभी का हो मुफ्त टीकाकरण, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के पास सिवाय राजनीति करने के नहीं बचा कोई काम। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण में तेजी से हो रही कमी, एसएसपी ने कहा अब तक 60 लाख से ज्यादा वसूला गया जुर्माना, फिलहाल छूट के आसार नहीं। हल्द्वानी में नर्सिंग स्टाफ ने रखी अपनी मांग, लिखित भर्ती परीक्षा का किया विरोध, सीनियोरिटी के आधार पर भर्ती करने की मांग।
रुद्रप्रयाग में व्यापारियों ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन, लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर बढ़ा इनाम, एडीजी जोन प्रयागराज ने घोषित किया 1 लाख का इनाम। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने कई राज्यों में डाला डेरा। अलीगढ़ शराब कांड पार्ट 2 में बढ़ा मौत का आंकड़ा, जहरीली शराब पीने से हुई 9 लोगों की मौत, करीब 21 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिस्ट्री शीटर को पुलिस हिरासत से भगाने के आरोप में पूर्व बीजेपी नेता नारायण भदौरिया गिरफ्तार, कानपुर पुलिस ने नोएडा से की गिरफ्तारी, 25,000 के इनामी बदमाश मनोज भी दबोचा गया। अयोध्या में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, बेटी और दामाद ने की बुजुर्ग माता पिता की हत्या, जायदाद के लिए की गई थी हत्या। बिजनौर से मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, स्पीकर पर बज रहे गाने को बंद कराने को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद। झांसी में पेट्रोल भरवाने गए युवक की पंप पर तैनात कर्मचारियों ने की पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में लोगों ने घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, का कॉलोनी के पीछे फंसी अवैध बस्ती के लोग कर रहे परेशान, सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर डीसीपी नॉर्थ ने दिया मदद का आश्वासन। अमरोहा में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अमेठी कोतवाली इलाके के लाला के पुलवा गांव में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, युवक की जमकर की गई पिटाई, युवक की मौत। रामपुर के थाना मिलक हाईवे के पास जंगलों से पशुओं के मिले अवशेष, हिंदू संगठनों ने थाने के सामने जमकर किया प्रदर्शन, मौके से तस्कर फरार। शाहजहांपुर में पुलिस ने सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, कैश मोबाइल रजिस्टर बरामद, 1 आरोपी फरार। मथुरा में रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कैश डीजल वाहन बरामद। मथुरा में आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग पर पुलिस ने की कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 5 बाइक और असलहे बरामद। मथुरा में पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ब्याज के रुपए मांगने पर हुई हत्या। उधम सिंह नगर में 2 पक्षों में हुए विवाद में गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 तमंचे बरामद। जौनपुर के जिला कारागार में 1 कैदी की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, तबीयत खराब होने के कारण हुई मौत, परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। झांसी में एक बंदर के साथ क्रूरता का मामला आया सामने, पुजारी बंदर को कोठरी में बंद कर उसे पीटता था, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। लखनऊ में बिजली का तार टूटकर बाइक पर गिरने से बाइक में लगी आग, गुस्साए ग्राम प्रधान ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ की हाथापाई, पुलिस ने प्रधान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। संभल में तमंचे से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, पुलिस ने युवक को तमंचे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। एटा में पति पत्नी के झगड़े में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले, घायल पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, मामले की जांच जारी। इटावा में 25,000 का इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार, 9 साल से फरार चल रहा था आरोपी, लगभग 30 लाख रुपए की शराब जब्त। सहारनपुर में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपी तासिम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मामले। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने फाइनेंस कंपनी का डेटा चोरी कर किश्त को धोखाधड़ी से अपने खाते में जमा करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कन्नौज के वीरपुर गांव में बिजली का कनेक्शन काटे जाने से हड़कंप, ग्रामीणों का आरोप वैक्सीन न लगवाने से काटी बिजली, एडीएम ने कहा बिजली का बिल नहीं भरने पर काटा कनेक्शन। सीतापुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल, सामने से आ रही कार को बचाने में हुआ हादसा। हल्द्वानी में 2 कारें आपस में टकराई, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। जसपुर में हुए सड़क हादसे में पलटी बाइक, बाइक सवार युवक की हुई मौत, 1 व्यक्ति हुआ घायल। बाबा रामदेव के ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए बयान के बाद ज्योतिषाचार्यों में है भारी नाराजगी, बाबा रामदेव को नसीहत दे रहे हैं बीएचयू के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष। सोनभद्र के म्योरपुर एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव और विशेष सचिव ने किया जिले का दौरा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पीलीभीत के अमरिया में डीएम ने किया राजघाट का निरीक्षण, लोगों को मिला कूड़े के ढेर से निजात, बस स्टैंड के पास किया जाएगा पार्क का निर्माण। पीलीभीत में डीएम ने देवहा नदी के किनारे हो रहे बाढ़ बचाव कार्यों का लिया जायजा, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बाढ़ परियोजनाओं का हो रहा कार्य।
मथुरा में रोज सजाया जा रहा बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला, लॉकडाउन के बाद खुले मंदिर के कपाट, भक्तों के आने का सिलसिला जारी। चंदौली की बिगड़ैल हाथी मिट्ठू के लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क लाया जाएगा। महावत ने हाथी को अपने साथ रखने की थी अपील, सीजेएम कोर्ट ने खारिज की अपील। चमोली में गांव के आसपास दिख रहे जंगली जानवर, शिकारियों से जानवरों को बचाने के लिए वन्य विभाग ने बढ़ाई गश्त। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती मिल्खा सिंह से पीएम मोदी ने की फोन पर बात, जल्द ठीक होने की कामना की, कहा उम्मीद है वो ठीक होकर टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएंगे। पंजाब के संगरूर में संविदा शिक्षकों का हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर किया हंगामा, पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़कर निकले प्रदर्शनकारी। एक्ट्रेस जूही चावला पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 20 लाख का जुर्माना, 5G के खिलाफ अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा पब्लिसिटी के लिए दायर की थी याचिका। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक बादल मेहरबान, केरल के कोच्चि और कोझिकोड में मानसून की पहली बारिश, दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत। केरल के बाद अब अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मानसून देगा दस्तक, इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बढ़ेगा मानसून, तेज बारिश होने के आसार।